मुझे तो गद्दारी बोला है। कौन सी गद्दारी कर दी? क्या इनेलो का झंडा डंडा लेके पार्टी तोड़ के हम बाहर गए? हमने तो झंडा भी छोड़ा, डंडा भी छोड़ा। अब वो डंडा चलाने का काम करते, हम तो डंडा नहीं चला सकते। 4.5 साल के शासन में किसी एक आदमी को बताओ जो कहता हो कि हमने डंडा चलाया। वो उनकी सोच, उनकी भाषा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और उनकी सोच, उनकी भाषा ने और उनके चेले चमटों ने सत्यानाश इनेलो का किया था, ना कि हमने किया। हमने तो जननायक जनता पार्टी बनाई और बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश को 4.5 साल का शासन दिया। और उस 4.5 साल के अंदर 1000 चीजें हैं, 20,000 किलोमीटर सड़कों का नवीकरण कराया, पंचायतों में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई, 8% बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन करी। आज के दिन 1,00,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में DBT हुआ, 14 फसलें MSP पर खरीदी। मुझे तो सरकार से अलग हुए मात्र 20 दिन हुए, और 20-25 दिन के अंदर आज बता देता हूं आपको, नारनौल की अपनी फील्ड से उठाओ, किसानों ने सड़क जाम कर रखी है नेशनल हाईवे, क्योंकि बाजरा नहीं खरीद रहा। बाजरे के टोकन ऐसे लगाए जा रहे हैं, किसान परेशान। और तो और सैनी जी की सरकार में तो नया काम दे दिया, जो आड़ती काम किया करते थे आज एफेड के कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं। ये क्या जरूरत पड़ी अपने चाहते लोगों को काम देने की एफेड के माध्यम से? और तो और आप आम किसान से आज कहीं सरसों बिक्री है वहां जाकर पता कर आओ, 300-300 रुपए का मॉइस्चर के नाम पर किसान पे कट लगाया जा रहा है, जो कि इतिहास में नहीं हुआ। ये हालात कैसे बन गए? ये किसान की सोच रखने वाला कोई सरकार में नहीं, इसलिए बन गए। हमने तो सशक्त शासन प्रदेश को दिया, और आगे भी पार्टी इसी तरह मेहनत करेगी, काम करेगी, और इससे अच्छा शासन आने वाले भविष्य में। लोकसभा को लेकर क्या तैयारी है? क्या कोई केरल कर्नाटका से आके विरोध कर रहा है? क्या कोई बिहार बंगाल से आके विरोध कर रहा है? जम्मू कश्मीर से, गुजरात से आके विरोध कर रहा है? ये वही साथी हैं जिनने हमें सांसद बना के भेजा, ये वही साथी है जिनने विधायक बना के भेजा। आज उनके मन में कोई गिला शिकवा है वो विरोध करके दूर कर लेंगे, हमारे ही हैं। क्या इतनी सहनशीलता भी हमारे में नहीं है कि हम विरोध झेल पाए? आज के दिन आपका विरोध करने वाला आपका सबसे बड़ा क्रिटिक है, और राजनीति में जो अपने क्रिटिक से सीख ले वही कामयाब होता है। अगर विरोध की आपको बात बताऊं तो 1982 का शायद चुनाव था, चौधरी देवीलाल जी से एक टिकट वितरण गलत होगी, बहादुरगढ़ की बात है, किसी बहादुरगढ़ के पुराने पत्रकार से पूछ लो। वहां चौधरी देवीलाल का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनके कुर्ते के बटन तोड़ दिए। क्या चौधरी देवीलाल जी ने उसके बाद राजनीति छोड़ दी? विरोध करने वाला आदमी विरोध करता है, जागरूक करता है। अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात है जो उनको लगती है कि उनके मन से हम नहीं कर पाए, उनकी मन की बात को पूरा नहीं कर पाए, आके बात करें। मगर ये भी देखे कि 4.5 साल में कितनी ऐसी बातें किसान के उत्थान की जो हरियाणा प्रदेश में हमने करी, और एक विजन के साथ करी कि हमारा किसान समृद्ध हो, हमारा किसान आगे बढ़े। और मुझे खुशी है कि 4.5 साल में वो अचीव कर पाए जो शायद इस देश का कोई और राज्य नहीं कर पाया, कि 14 फसलें MSP पर खरीदी। किसान के खाते में आज मैं बुरा तो लगता हूं, मगर आप किसी बूढ़े किसान से पूछ लेना कि कभी उसने आड़ती के सिवाय पैसा घर में आते देखा? आज तो डायरेक्ट उसके खाते में जाते है, व्यवस्था हम बना पाए। ये चीजें मुमकिन करनी इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि उनकी आवाज सरकार में थी। सर छोटू राम जी जब अंग्रेजी हुकूमत के अंदर किसान उत्थान की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी लोग गद्दार कहा करते थे। और उसके बाद वही सर छोटू राम जी है जिनको आज देश किसानों का मसीहा बोलता है। कोई नई चीज लाते हैं उसका विरोध भी होता है, और विरोध वही करते हैं जो अपने होते हैं। लेकिन नए विश्वास ये कह रहे हैं कि 4.5 साल हम BJP के साथ रहे, उसका खामियाजा जो हमें भुगतेंगे, क्या दिक्कत है? क्या सरकार में हमने कदम अच्छे नहीं उठाए? उठाए। उसके विरोध में कोई विरोध करता है तो विरोध तो भुगतना पड़ेगा, छोड़ कैसे सकते हैं?
क्या आप ये कहना चाहते हो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाएंगे, फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? जिन लोगों का उत्थान किया है उनकी सोच को क्या हम कमजोर करेंगे? राजनीतिक तौर पर पार्टी ने निर्णय लिया 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़नी है, मजबूती के साथ लड़े, आपकी करनाल की भी लड़ेंगे। और ये विश्वास दिला देता हूँ कि करनाल में इनेलो तो छोड़ जाए मैदान, और कोई पार्टी छोड़ जाए, जेजेपी मैदान नहीं छोड़े, इस चुनाव को लड़ेगी मजबूती के साथ। लेकिन आपके चाचा अभय सिंह ये कह रहे हैं कि सारी पार्टी इकट्ठे होकर, मेरा चाचा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, जिस पार्टी का जनाधार इस बात पे टिक जाता है कि हम चुनाव छोड़ देंगे, उस पार्टी को ये पता है कि उसके 5,000 वोट पर लेनी है। आज हमारे रोहतक के अंदर 22,000 वोट आए थे पिछले चुनाव में, मैं ये मानता हूं उसके 6 गुना से ज्यादा वोट हम लेंगे। इनेलो की तरह नहीं जो चुनाव लड़ने से डरती है और कहती है कि भाई इसको हराने के लिए लड़ दो, इसका मतलब तो उनके अंदर दम नहीं है मनोहर लाल को हराने का। तो उनका काम क्या है? आप खुद कह रहे हो आपको धमकी दी, इनेलो का सत्यानाश इस धमकी ने तो किया, और ये धमकी चलती रहे हमारे उतना ही फायदा है।